हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं और वो ये है कि रियल टाइम जो एप्लीकेशन होता है जो एकदम से अपडेट दिखाता है वो आपको कैसे बनाना है। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुँच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसमें रियल टाइम फीचर जो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, ये मैंने लिखा न्यू मैसेज फॉर रियल टाइम अपडेट, ये मैंने लिख दिया। और जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मैसेज तो चला गया, सेव भी हो गया डेटाबेस में, उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर वो अपडेट होकर चैट बॉक्स में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ है ये मुझे लाना है, मतलब रियल टाइम हो एकदम, जैसे मैं यहाँ पे करूँ तुरंत अपडेट हो, तुरंत यहाँ पे दिखने लगे, कोई नया यूज़र आया है जैसे वो करे अपडेट करे तुरंत यहाँ पे उसका नाम आ जाए, सब कुछ होने लगा, ये सब मैं चाहता हूँ। ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेट इंटरवल। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाइएगा और यहाँ पर जाके सर्च करिएगा सेट इंटरवल जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट और यहां पे लिखेंगे सेट इंटरवल। ये फंक्शन क्या करता है कि एक डिले के साथ जो है एक कोड को एग्जीक्यूट करता है और ये रुकता नहीं है। जैसे कि आपने देखिए यहां पे कहा कि यहां पे इसने जो इस तरीके से फंक्शन बनाना है और यहां पे आपको अपना कोड लिखना होता है कि कौन सा कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं डिले के साथ, जो है बिना रुके एग्जीक्यूट करते रहना चाहते हैं, तो वो कोड आपको यहां लिखना होता है। वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टाइम आप देते हो मिली सेकेंड में होता है, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे 3 सेकेंड का डिले दिया गया तो यहाँ पे 3000 लिखा गया, ये लिख दिया गया। ये कोड क्या करेगा कि नॉन स्टॉप 3 सेकेंड बाद जो है अलर्ट पॉपअप बॉक्स दिखाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर कुछ API कॉल रहेंगी जो कि क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स है इसके डेटा को अपडेट करेंगी, इसको अपडेट करेंगी, और वो जो है वो आपका 3 सेकेंड 5 सेकेंड के डिले के बाद, जितने भी डिले के बाद होगा वो उसे कंटिन्यूसली अपडेट करती ही रहेंगी। आपको जाना अपने फ्रंट एंड वाले कोड में, यहां पर आपको आना होगा सबसे पहले ये जो आपका कंपोनेंट डिड माउंट है उसके अंदर आपको आना होगा। यहां पर ये चैट बॉक्स कंटेनर में आना, कंपोनेंट डिड माउंट आपको देखना है, यहां पर आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पास है ये कंपोनेंट डिड माउंट। तो यहां पर मैंने सबसे पहले कंपोनेंट डिड माउंट में क्या किया है कि जो मेरे पास जो ये चैट का टीम है इसमें कौन कौन से यूजर ने अभी तक मैसेज भेजा उन सबके नाम को मैंने इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो ये वाला क्वेरी लिखा, ये क्वेरी लिखने पर मुझे उन यूजर्स का जो ID मिल गया जिन लोगों ने टीम में पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने हर एक टीम के यूजर का इंडिविजुअल ID निकाल के उसका डेटा निकाला। डेटा का मतलब क्या निकाला, उसका जो यूजर नेम है वो क्या है वो निकाला, और फिर जो है उस डेटा को लेके मैंने यहां पर ये कार्ड इस तरीके से यहां पे दिखाया, ये वाला चीज। तो ये मैंने किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहां पर जब मेरा ये काम हो गया तो फिर मैंने जो यहां पर ये गेट चैट मैसेज वाला लिया। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले ये जो यहां से पूरा डेटा है इसे आपको करना है कट, ऊपर से लेकर नीचे तक आप कट कर लेंगे, ये मैंने यहां से कट कर दिया। उसके बाद आपको इसे गेट चैट मैसेज में जो है फंक्शन के अंदर डाल देना होगा। तो हम लोग यहां नीचे की तरफ जाएंगे, गेट चैट मैसेज यहां पे लिखा हुआ इसके अंदर जाके आपको डाल देना, ये मैंने डाल दिया। यहां पर आपको ये वाला जो चीज है इसे यहां से कर देना है रिमूव, ये मैंने यहां से कर दिया रिमूव और ये मैंने इसको कर दिया ये। उसके बाद जो है ये यहाँ पे बना रहेगा, इसको यहाँ पे हम लोग रहने देंगे, ये ठीक है, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल रहेगा, ये सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे ये बना रहेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट में चलेंगे इसके अंदर, और यहीं पर आपको क्या करना है, आप सेट इंटरवल का यूज करना है। तो मैंने कहा सेट इंटरवल, इस फंक्शन को आप करेंगे कॉल। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा, ये मैंने बना लिया फंक्शन, एरो फंक्शन आप बना सकते थे वही हम लोग बना लेते हैं, और इसके अंदर इस फंक्शन को आपको कर देना होगा कॉल, ये मैंने कर दिया। यहां पे कॉमा लगा के आपको बताना होगा कि कितने देर बाद आप इसको बार बार कॉल करना चाहते हो इस फंक्शन को। तो मैंने कहा कि कम से कम 5 सेकेंड बात करो, और उसके बाद इसे हम लोग यहां से हटा देंगे। तो मैंने कहा गेट ऑल चैट मैसेज आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, ये मैंने कहा। तो ये आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम को रन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे रन करेंगे, पेज को एक बार रिफ्रेश कर देंगे।
तो ये आप देख सकते हैं हर 5 सेकंड बाद जो क्वेरी बार बार रन करेगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो डेटा है ऊपर वाला ये एकदम से क्यों नहीं आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने यहाँ पर कोड में वापस आइए, ये हम लोग यहाँ पर चलते हैं और इसके अंदर आप एक काम करिए कि यहाँ पर जो है फ्रंट एंड वाले कोड में आना होगा यहाँ पर। और इसके अंदर आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको यहाँ पर जाना है, ये जो टीम डेटा है वो आपको लेना होगा गेट चैट मैसेज में से, ये वाला कोड आपको यहाँ से लेना होगा। यहाँ पे ये गेट टीम यूजर, ये वाला भी आपको लेना है। गेट टीम यूजर वाला डेटा आपको लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये वाला डेटा लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा इसको और ऊपर चलेगा कंपोनेंट डिड माउंट में, यहाँ पर जाके एक बार पेस्ट कर दीजिएगा। ये मैंने कर दिया, सेव कर लीजिएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर जो है क्या करेंगे, CTRL A राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर लेंगे, वापस चलेंगे वेब ब्राउजर पर, रिफ्रेश करेंगे एक बार, ये देखिए ये आ जाएगा। और 5 सेकंड बाद जो है आपका यहाँ पे और यहाँ पे डेटा अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इस पर चलते बूटस्ट्रैप CSS टीम पर। ये देखिए 5 सेकंड आप वेट करिए, अभी यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये देखिए डेटा आपका आ गया। अब यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज लिखता हूँ, जैसे कि मैंने कहा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो आपका हर 5 सेकंड बार जो है सेम यूजर जो है वो एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो इसे आपको कैसे रोकना होगा ये हम लोग आप इस वीडियो में देखेंगे। ये चीज तो हो गई, जो चैट मैसेज वाला था वो भी ठीक हो गया, लेकिन ये जो है गड़बड़ हो गया। तो हम लोग अपने कोड में चलते हैं फ्रंट एंड वाले में, और यहाँ पे आपको गेट चैट मैसेज में आना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हर 5 सेकंड बाद ये वाला जो है कॉल चलता है, ये गेट टीम यूजर, और उसके बाद जो यूजर का ये डेटा यहाँ से लेता है और उसके बाद जो है वो फिर से जो है इसमें नया जो आइटम है वो ऐड कर दे रहा है, पुश कर दे रहा है। तो यहाँ से चीजें जो है गड़बड़ कर रही है, तो कैसे ठीक करना है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना हो कि हमको यहाँ पर ये जो यूजर वाला स्टेट वाला वैल्यू, इसे हम लोग यहाँ पर रीसेट कर देते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा दिस डॉट सेट स्टेट आपको कॉल करना होगा, ये मैंने कर लिया कॉल। इसके अंदर जाना है आपको, यहाँ पे करना होगा ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स, ये आपको लिखना है, और यहाँ पर जो एक डिफॉल्ट वैल्यू रीसेट वैल्यू आपको डालना होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये यूजर्स जो है कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं दिस डॉट स्टेट यूजर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक असल में एक एम्प्टी एरे है। तो आपको यहाँ पे आना है गेट मैसेजेस में, तो आपको इसे रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, आप इसको एम्प्टी एरे जो है वो सेट कर देंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे डिलीट करेंगे, ये मैंने एम्प्टी एरे सेट कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रीसेट स्टेट डेटा, ये मैंने लिख दिया, सेव कर लीजिएगा। वेब ब्राउजर पर जरा चलते हैं एक बार, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यूजर आ गया, और अब देखेंगे कि 5 सेकंड बाद जो डेटा रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये जो चीज़ है अब सही है। अब हम लोग एक काम और करेंगे कि जरा अपने यहाँ पर कोड में चलेंगे और यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है जो 5 सेकंड का लिखा है उसे हम लोग कम करते हैं। मैं यहाँ पे इसे जो है 2 सेकंड कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे जो है चलूंगा, यहाँ पे आना है कंपोनेंट डिड माउंट में आपको आना है, इसके अंदर हम लोगों ने किया था। तो ये देखिए 5 की जगह मैं इसे इस बार 2 सेकंड कर दूंगा, ये मैं इसे सेव कर दूंगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं, ये सही है। यहाँ पे गेट टीम आपने कॉल कर लिया, इससे टीम का डेटा मिल गया, ये ठीक है। इस वाले फंक्शन के अंदर एक बार चेक कर लेते सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पर जो आपने ये गेट टीम को दोबारा से कॉल किया, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें रहेंगी यहाँ पर, टीम के जितने यूजर्स है वो चाहिए, हर टीम का जो यूजर है उसका डेटा चाहिए, और उसके बाद जो API के चैट मैसेज आ रहे हैं चैट बॉक्स में सारे मैसेज वो चाहिए। ये console.log इसे हटा दीजिएगा, सेव कर लेंगे, वापस चलेंगे जरा वेब ब्राउजर पे, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। एक बार CTRL शिफ्ट और K दबाना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ये आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मिस्टेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पर देखिएगा तो हर 2-2 सेकंड में जो है आपका API कॉल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 2 सेकंड भी कम है तो ऐसा करिएगा 1 सेकंड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग इसे घटा के 1 सेकंड कर देते, ये मैंने कर दिया, सेव कर लिया। वापस चलते हुए ब्राउजर पे, ये देखिए तुरंत आ गया। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 सेकंड बाद डेटा आ गया। और कम लग रहा हो, आधा सेकंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ये देखिए डेटा आ गया। आप इसे जो यहाँ पे चलेंगे इसे घटा के केवल कर लीजिए 500, तो ये आधा सेकंड हो गया। यहाँ पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे चलते हैं IoT टीम, ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं कोई मैसेज लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हेलो IoT टीम, और यहाँ पे लिख दिया यू आर फायर, ये मैंने लिख दिया।
और यहाँ पे मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा मैसेज देखिए तुरंत यहाँ पे आ गया। तो ये जो है बिल्कुल अब सही तरीके से चलने लगा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो आउटगोइंग मैसेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पे लगाना होगा क्योंकि वो बाकी रह गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको आना होगा अपने कोड में, फ्रंट एंड वाले कोड में, और यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आप जो चैट मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पर उसका जो यूज़र आईडी है, जो फ्रॉम वाला आईडी है, क्या वो मैच करता है आपके टोकन में मौजूद आईडी से जो आपने रिडक्स में स्टोर किया उससे। अगर मैच करता है तो उसका मतलब है वो आउटगोइंग मैसेज जो कि आपने खुद भेजा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिडक्स का सेटअप करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और लॉगिन वाला जो फाइल ओपन कर लेंगे। ये मैंने लॉगिन कंटेनर ओपन कर लिया। यहाँ पर जाएंगे ऊपर की तरफ, ये जो फाइल है इसे करना है कॉपी, चैट बॉक्स कंटेनर में जाना है, कर देना आपको यहाँ पे पेस्ट। इसमें से ये लॉगिन एक्शन इसे करना है रिमूव। लॉगिन कंटेनर में जाएंगे नीचे की तरफ, जो हम लोगों ने रिडक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया हुआ सीधा सीधा करना आपको कॉपी। चैट बॉक्स कंटेनर में आपको जाना होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे जाके कर देना होगा पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर लिया। यहाँ से आपको चैट बॉक्स कंटेनर जो करना है कॉपी, यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। विद राउटर जो हम लोग यहाँ से हटा देंगे क्योंकि रीडायरेक्टिंग का कोई भी काम हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया लॉगिन, ये नहीं चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे ऑथ मुझे चाहिए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से कर देंगे रिमूव। ये मैंने कर दिया, सेव कर लेना आपको। इसके बाद ऊपर की तरफ चलना होगा आपको और यहाँ पर जो ये है विद राउटर इसे भी रिमूव कर लीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो रिडक्स वाला है ये काम आपको कर लेना है, ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पे करिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे चैट बॉक्स व्यू में। अब आपको क्या होगा, यहाँ से आईडी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर जो मैसेज है उसमें जो फ्रॉम है उसमें जो आईडी है ये है अंडरस्कोर आईडी, अगर वो बराबर होता है props.auth आपको लिखना है, और आपको लिखना है यूजर, और आपको लिखना है आईडी। अगर इसके बराबर होता है तो इसका मतलब वो इनकमिंग मैसेज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हम लोग करेंगे कॉपी, यहाँ पे करना है पेस्ट। और ये इनकमिंग मैसेज नहीं होगा, आउटगोइंग वाला मैसेज होगा। तो ये मैंने क्या कॉपी, यहाँ पे मैंने डाल दिया ये आउटगोइंग मैसेज। बाकी चीज़ें जो है सेम रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको बनाना होगा एल्स वाला ब्लॉक, ये वाला मैंने बनाया एल्स ब्लॉक, और इसके अंदर आपको जो रिटर्न वाला है वो जाके यहाँ पे डाल देना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट छूट गया इसलिए एरर बता रहा है, ब्रैकेट लगा लीजिएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये एक बार CTRL A राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, वेब ब्राउजर पे चलेंगे और ये देखिए आपका यहाँ पे आने लगा। अब जो आपका आउटगोइंग मैसेज है उसमें भी हमें थोड़ा चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आउटगोइंग वाले मैसेज में चलेंगे यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको आना होगा इसमें आउटगोइंग मैसेज वाले कंपोनेंट के अंदर। तो ये मेरे पास है, ये यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है डेट, और यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेम वही करना है आपको जो आपने लिखा था इनकमिंग मैसेज में। यहाँ पे आप देखिए ये जो पोर्शन हम लोगों ने लिखा था इसे करना है कॉपी, आउटगोइंग मैसेज लाके कर देना है पेस्ट। यहाँ पे कॉमा लगा के आपको क्या करना होगा, वही सेम यूज़र नेम को कॉल करना होगा। चैट बॉक्स व्यू में जाएंगे हम लोग, यूज़र नेम हम लोग यहाँ पे पास कर ही चुके हैं, वापस चलते हैं ब्राउज़र पे, और ये देखिए यहाँ पर आपका जो आने लगा, जो मैसेज आपने भेजे वो यहाँ पर आ गए। अब जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी दूसरे ने मैसेज भेजा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है। यहाँ पर चलते हैं IoT टीम में, दोनों मैसेज आपने भेजे हैं यहाँ पर, इसमें चलते हैं तो ये देखिए इसमें ये सारे मैसेज आपके भेजे हुए हैं, और ये जो है आपके इनकमिंग मैसेज है, ये आउटगोइंग हो गया इनकमिंग हो गया, तो ये इसने भेजा है। तो ये जो है अब आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आप लिख सकते हैं सैलरी फॉर दिस मंथ विल नॉट बी गिवन, इस महीने की जो तनख्वाह है वो नहीं दी जाएगी, मैंने लिख दिया बिकॉज ऑफ, ये मैंने लिख दिया, और फिर मैंने कहा यहाँ पे मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। देखिए मैसेज सेंड हो गया, और सेंड करते ही ये देखिए आ गया यहाँ पे तुरंत। अब इसका कोई दूसरा जो यूज़र होगा वो रिप्लाई दे सकता, तो देखिए चैट चालू हो गया, यूज़र यहाँ पे दिखने लगे, और ये जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा कि कुछ एरर जो है वो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जरा CTRL Shift और K दबाते हैं। ये देखिए ये आ रहा है कैंट परफॉर्म ए रिएक्ट स्टेट अपडेट ऑन एन अनमाउंटेड कंपोनेंट, ये आ रहा है।
तो ये जो एरर है ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग तो छोड़ देते हैं, यहाँ तक का काम जो मेरा हो चुका है और हम लोग गिटहब पे सारा कोड पहुँचा देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चैट बॉक्स API, ये हम लोग करेंगे रियल टाइम अपडेट, ये मैंने कर दिया, टिक मार्क पे क्लिक किया, इस पे मैंने क्लिक किया, पुल पुश पे क्लिक करना है, पुश टू पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, सारा कोड जो है गिटहब पे मेरा पहुंच जाएगा। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।